नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में। मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आई नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कस्टडी में लिए जाने से पहले विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भेजा। इसमें उन्होंने पुलिस से कहा है कि वह जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभव ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ दर्ज की गई FIR की जानकारी मिली है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। स्वाति का आरोप है कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की गई। इस संबंध में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई। पहले तो आपने स्वाति संग हुई मारपीट की बात कबूली, लेकिन शुक्रवार को पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, अपना मान कर रखिएगा। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। हमारे परिवार की यादें रायबरेली से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज काफी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली में पहली बार राज ठाकरे ने पीएम मोदी के बाद मंच शेयर किया। इस रैली में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। महायुति के मंच से राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शर्मिला ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। शर्मिला ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र की मांगें मोदी के सामने रख दी। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के प्रचार के लिए अमित शाह उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के विकास की शुरुआत हुई। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, लेकिन मोदी जी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया। अब यहाँ तोप के गोले बनते हैं। पाकिस्तान ने अगर कोई भी गलती की तो ये बुंदेलखंडी गोला पाकिस्तान पर गिरेगा और उसका सफाया कर देगा। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की है। हरदा जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में DEO को सेक्टर प्रभारी बनाया गया था। मतदान केंद्र पर पूर्व कमल पटेल अपने नाबालिग पोते के साथ वोट डालने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री कमल पटेल का वीडियो सामने आया था। वीडियो में पूर्व मंत्री नाबालिग पोते के साथ मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान ये हादसा हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स कन्हैया कुमार के पास माला पहनाने के बहाने जाता है और उन पर थप्पड़ से हमला करता है और साथ ही उन पर स्याही भी फेंकी जाती है। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ ये हादसा उस्मानपुर के करतार नगर इलाके में हुआ है। देश के अधिकतर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में शनिवार को आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चली, लोगों को बाहर निकलने में खासा परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में विकास को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। एक तरफ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए, दूसरे प्रदेशों में प्रचार अभियानों में शामिल हो रहे हैं। वही प्रदेश के विकास कार्य को लेकर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में विकास कार्य को रफ्तार देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्दी से जल्दी सभी कार्यों को निपटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मौजूद रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गुलदार का आतंक देखने को मिला। यहां एक बच्चे की जान ले ली। घर के आंगन में खेल रहे मासूम को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि गुलदार उसकी जान ले लेगा। बताया गया कि 2.5 साल का सूरज आंगन में खेल रहा था, इसी दौरान गुलदार उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गया। सूरज का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में बिहार में सबसे हॉट सीट सारण है। 20 मई को यहां वोटिंग है। चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी का मुकाबला RJD प्रत्याशी रोहिणी आचार्य से है। रूड़ी 4 बार जीते हैं, लालू भी यहां 4 बार जीते हैं। यह सीट एक जमाने में RJD की गढ़ थी, इस बार रूड़ी फिर मैदान में उतरे हैं। वही रोहिणी आचार्य परिवार की पारंपरिक सीट को एक बार फिर से वापस पाने के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने नीट 2024 में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 2 MBBS छात्र और उनका साथ देने वालों को गिरफ्तार किया गया है।
कार्रवाई के दौरान 4 मोबाइल फोन और 1 कार जब्त की गई है। लोकसभा चुनाव में 4 चरण का मतदान हो चुका है। अब 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होने जा रही है। रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोमवार को मुंबई में वोटिंग का दिन है। मैं सभी मुंबईकर से अपील करता हूं कि वोटिंग के लिए जाएं और जिम्मेदार से मतदान करें। प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर दिन हलचल होती रहती है। नई फिल्मों की रिलीज हो या ट्रेलर रिलीज, ये किसी सेलेब से जुड़ी खबर हर चीज जानने के लिए फैंस भी बेताब रहते हैं। मनोरंजन जगत में आज का दिन भी फुल मसाले से भरा है। जहां आज कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो वहीं तारक मेहता के सोड़ी यानी गुरुचरण सिंह लापता होने के 25 दिन बाद घर लौट आए हैं। IPL 2024 के प्लेऑफ की 3 टीमों के नाम तय हो चुके हैं। वहीं चौथी टीम का फैसला धोनी और विराट की टक्कर से होना है। मतलब RCB और CSK का मुकाबला प्लेऑफ की चौथी टीम के लिए निर्णायक रहने वाला है। मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम पर है, जो कि RCB का होम ग्राउंड है। लेकिन विराट के लिए टेंशन देने वाली बात यह है कि उनके होम ग्राउंड पर कैसे अपना बनाना है। MS धोनी को खूब आता है। सीधे शब्दों में कहें तो RCB और चिन्नास्वामी मैदान को देखकर धोनी के खेलने का अंदाज बदल जाता है। वो पहले से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक दिखने लगते हैं। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। बने रहें दानिश सुप्रीम के साथ।